हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल। और ये क्लिप है संडे नाइट 9 PM 9 मिनट्स, जो कि बहुत अच्छा मोमेंट था एक, और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। और आई थिंक इंडिया के हर एक घर पे इस तरीके से कैंडल्स वगैरह, दिए, टॉर्च, मोबाइल की फ्लैश लाइट्स वगैरह जलाई होंगी, तो हमने भी इसी तरीके से सेलिब्रेट किया। और इन सब चीज़ों से करने से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरे पास बर्थडे वाली कैंडल्स बची हुई थी, केक में लगाने वाली कैंडल्स, तो सारी मैंने जलाई है और बहुत अच्छा लग रहा था। तो कुछ इसमें से क्लिप्स मैंने शूट करके आपको दिखाई हैं। इसके बाद आ चुका है मंडे मॉर्निंग, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है। तो ब्रेकफास्ट में आज चने दाल की मैं कचौरियाँ बनाने वाली हूँ। तो चना दाल मैंने रात को ही भिगो के रखी थी, तो ओवरनाइट में काफ़ी अच्छी तरीके से सोक्ड हो चुकी है। तो मैं इसको 3-4 पानी से वॉश करूँगी और उसके बाद इसका पेस्ट तैयार करूँगी। और उसके बाद जैसे नॉर्मल सा आटा गूँथते हैं पूरियों के लिए, वैसे ही इसके साथ ही इसको गूँथूँगी। तो आप देखते रहिए। और इसमें मैंने 2 से 4 लहसुन की कलियाँ मिलाई हैं, तो लहसुन डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने सिर्फ 2-4 ही मिलाई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसके बाद मैं चना दाल को ग्राइंड करूँगी, तो थोड़ा थोड़ा करके लूँगी क्योंकि छोटा जार है और चना दाल को पीसने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो इसमें मैंने लहसुन डाला है, 2 हरी मिर्च डाली है, तो इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाया था क्योंकि पानी मिलाने से अच्छी तरीके से ग्राइंड हुआ था, अदरवाइज़ दाल पीसी नहीं रही थी। तो उसका मैंने फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। तो दूसरी तरफ मैं आटा लगाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े बाउल के करीब आटा ले लिया है और इसी आटे में मैं ये दाल का पेस्ट मिला दूंगी। मैं अलग से इसमें स्टफिंग नहीं बनाऊंगी, इसलिए मैंने दाल का पेस्ट उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया था क्योंकि पानी तो वैसे भी डालना ही है और आटे के साथ मिला के गूंदना है, तो इसको सूखा ग्राइंड करने का कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए मैंने पानी मिला के इसका फाइन पेस्ट तैयार किया हुआ है। तो पहले मैं आटे के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी और इसके बाद इसमें थोड़े बहुत मसाले ऐड करूंगी। तो मसालों में मैंने हींग डाला है 1 पिंच और थोड़ा सा अजवाइन, और साथ में खूब सारा हरा धनिया डाला है और बाकी वही रेगुलर मसाले। तो बस मसाले वगैरह मिक्स हो चुके हैं, तो पहले मैं आटे के साथ दाल को अच्छे से मिक्स करूंगी। तो यहाँ पे पानी स्टार्टिंग में नहीं डालना होता क्योंकि अगर स्टार्टिंग में पानी डाल दिया तो डो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है और पूरियाँ बेलने में भी बहुत दिक्कत करता है। तो इसलिए मैं पहले इसको काफ़ी अच्छी तरीके से हाथों से मसल के दाल के साथ मिक्स करूंगी। और मैंने बाद में इसमें कम से कम 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाला था, उसके अलावा ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसका सॉफ्ट डो मैंने तैयार कर लिया था और उसके बाद इसको 10-15 मिनट के लिए मैंने ढक के रखा हुआ है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और फूल जाए। तो जब तक डो तैयार हो रहा है तब तक यहाँ पे थोड़ी बहुत रूम की अरेंजमेंट कर लूँगी। तो मॉर्निंग में आजकल फटाफट से काम कर लेती हूँ मैं, उसके बाद हम लोग बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं, मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ और हस्बैंड को अपने ऑफिस के काम होते हैं तो वो अपने काम करने में लग जाते हैं। और आजकल तो टीवी पे रामायण महाभारत आ रहा है तो वो देखने में और टाइम निकल जाता है, तो इसीलिए भी मैं काम सारे काम फटाफट से कर लेती हूँ। और सुबह 9 बजे से पहले हम लोग ब्रेकफास्ट तैयार कर लेते हैं और रामायण देखते देखते हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग मैंने कर दी है, झाड़ू लगा दिया है और बेड वगैरह फोल्ड करके रख दिया है, डस्टिंग कर दी है। तो अब मैं तैयार करती हूँ यहाँ पे आटा, मतलब कि आटा सॉफ्ट हो चुका है तो अब मैं पूरियाँ बेलना स्टार्ट करूँगी। तो इसके साथ मैंने कोई चटनी वगैरह नहीं बनाई है, मैं सिंपल सा अचार हम लोग खाएंगे, जो मिक्स वाला अचार है मार्केट से लेके आए थे हम लोग,
तो वो भी अच्छा लगता है। और साथ में हमेशा की तरह चाय बनाएंगे ब्रेकफास्ट में। तो एक साइड मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और दूसरी साइड में छोटी छोटी पूरियां बेल के इसको तैयार कर लूँगी। तो चना दाल कचौरी बनके तैयार है। और मैंने चना दाल को काफ़ी अच्छी तरीके से बहुत देर तक ग्राइंड किया था, लेकिन फिर भी कुछ चने के पीसेस उसमें रह गए थे। और मिक्सी में पीसना इसीलिए बहुत दिक्कत वाली बात होती है, अगर पानी ना डालो तो बिल्कुल ही ऐसे साबुती चने निकलते हैं उसमें से। तो इसलिए मैंने पानी डाला, उसके बाद भी इस तरीके से चने मतलब बचे हुए थे, लेकिन वो सब पक गए थे जब मैंने फ्राई किया था। तो बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो चुका है और उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। और कचौरियाँ मैंने एक्स्ट्रा बना ली थी, बहुत ज़्यादा हो गया था आटा तो मैंने सारी बना ली। तो ये लंच में भी चल जाएंगी क्योंकि ताज़ा ही रहती हैं और काफ़ी हैवी हो जाता है ये सब खाने के बाद, तो जल्दी भूख भी नहीं लगती है। तो लंच में हमने यही खा लिया था चाय के साथ, हमने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है। तो कुछ लोग कहेंगे कि आप कंजूसी करते हो, लेकिन कंजूसी वाली कोई बात नहीं होती इसमें। अगर घर में खाना बच जाए तो उसको बाद में हम लोग खा सकते हैं, और सबके घरों में ऐसा होता ही होगा, ये तो कॉमन सी बात है। तो इसमें कंजूसी वाली कहाँ से बात आ गई, कुछ लोग अलग ही कमेंट्स लेके आते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। तो यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है, घर के सारे काम निपट गए हैं। तो आज ये हम लोग खूब सारे कपड़े सुखाने वाले हैं धूप में। तो ये विंटर्स वाले कपड़े मैंने पैक करके रख दिए थे, लेकिन धूप नहीं दिखाई थी इनको, तो मैंने सोचा इनको अच्छी तरीके से धूप दिखा देते हैं, क्योंकि आजकल वेदर काफ़ी क्लियर हो चुका है, काफ़ी अच्छी धूप आती है। तो उनको 3-4 घंटे भी धूप में सुखाओ तो अच्छी से सूख जाते हैं, और इसमें से सारी स्मेल भी क्लीन हो जाती है, चली जाती है। तो कभी कभी मैं इस तरीके से सुखा लेती हूँ, 2 से 3 मंथ बाद मैं गर्म कपड़े जो भी मतलब कि कबर्ड्स में कपड़े वगैरह रखे होते हैं वो सुखा लेती हूँ। और सब्जी राशन लेने के चक्कर में ना कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से भूल जाते हैं, लेकिन इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम लोग भी मतलब मैं तो गई नहीं हूँ, 10-15 दिन हो गए सोसाइटी गेट से बाहर गई नहीं हूँ, और हस्बैंड जब भी जाते हैं वो मास्क लगा के जाते हैं और लाइन में खड़े होके मतलब भले ही आधे घंटे लग जाए 1 घंटे लग जाए तब जाके वो लेके आते हैं सब्जी। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं इस चीज का, तो आपको भी ऐसा करना चाहिए।
तो लंच वगैरह करने के बाद मैंने सारे कपड़े निकाल दिए थे, धूप में जितने भी सुखाए थे वो उतार के ले आई थी, उनको फोल्ड करके रख दिया है। और हस्बैंड यहाँ सो गए थे क्योंकि ऑफिस वर्क भी काफ़ी रहता है आजकल, घर पे बैठ के भी काफ़ी वर्क करना पड़ता है, तो वो सो गए थे। तो अब मैं बस वही बेड वगैरह समेटूंगी और ये कपड़े भी मुझे फोल्ड करके रखने हैं। तो थोड़े बहुत जो मैंने धूप में सुखाए थे वो हैं, और थोड़े बहुत कपड़े मैंने बाहर निकाल के रखे हुए थे कबर्ड में, अंदर अंदर रूम के जो कबर्ड में अभी हम लोग पहन रहे थे, लेकिन अब उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो उनको भी मैं साथ के साथ पैक करके रख दूंगी, क्योंकि बेड वगैरह फोलने का बार बार दिक्कत नहीं होती, झंझट नहीं होता, और सारा सामान एक साथ में अरेंज हो जाए तो फिर बाद में जगह एडजस्ट करने की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये कुछ फ्रूट्स और सब्जियां मंगवाई थी हस्बैंड से, ये कल मॉर्निंग में लेके आए थे और 24 घंटे से ज़्यादा हो गए था, तो उसके बाद ही मैंने इस पैकेट को टच किया है, अदरवाइज़ एक कॉर्नर में रखा हुआ था दूसरे रूम में। तो अभी मैं लेके आई हूँ और इसको पहले वॉश करूँगी, उसके बाद ही हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो सारी सब्जियों को वॉश करना पड़ेगा तब जाके ही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि आजकल इतना डर फैला हुआ है कोरोना का, तो हमें जगह जगह पे केयरफुल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शाम के 5 बजने वाला है, जस्ट अभी मैंने योगा कंप्लीट किया है, योगा मैट इसीलिए मैंने बिछा के रखा था क्योंकि योगा मैट में करने में ज़्यादा मज़ा आता है, वैसे तो कारपेट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं योगा मैट के बिना योगा नहीं करती हूँ, और बाल इसीलिए ख़राब से लग रहे हैं। तो अब हम लोग जाएंगे किचन में, आलू उबालने के लिए रखे हैं और ब्रेड रखी हुई थी काफ़ी दिन से, तो सोच रहे हैं ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं, क्योंकि कल तो फास्ट है तो दिन भर खाली पेट रहना पड़ेगा और पूरे दिन मीठा ही खाना पड़ेगा, तो इस वजह से आज हम लोग ब्रेड पकौड़े बनाएंगे और उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए किचन में। तो यहाँ पे हम दोनों मिलकर ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बेसन का घोल तैयार करके रख लूँगी, और बेसन ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैंने नया पैकेट मंगवाया था, तो बस वही खाली करूँगी। और उसके बाद बहुत सिंपल सी रेसिपी, आई थिंक बहुत ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आलू वगैरह मैंने बॉईल कर लिए थे, उसको मैश करके उसमें थोड़े बहुत मसाले वगैरह मिक्स करेंगे, और ट्यूसडे को हमारा फास्ट रहता है तो उसमें प्याज नहीं मिक्स करूँगी, क्योंकि हम लोग फास्ट से एक दिन पहले प्याज नहीं खाते हैं, तो बस उसमें अगर आप चाहें तो प्याज वगैरह मिला सकते हैं, अदरवाइज़ उसमें मैं सारे मसाले मिक्स करूँगी, धनिया मिर्च और बाकी सारे मसाले, और उसके बाद ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में कट करके, या जिस तरीके से आप शेप देना चाहो उस तरीके से कट करके, और उसमें स्टफिंग भर के आप उसको फ्राई कर सकते हैं, बहुत ही क्रंची बनते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो ब्रेड की एक्चुअली एक्सपायरी डेट थी ट्यूसडे की, तो इस वजह से हमने वेस्ट करने से अच्छा सोचा कि हम लोग ब्रेड पकौड़े बना के खा लेते हैं।
तो ब्रेड पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं, और इसके साथ चाय ना हो तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता। तो साथ में मैंने चाय भी बनाई थी, और एक्चुअली हमने लंच नहीं बनाया था, लंच में दो चार कचौड़ियाँ रह गई थी तो हमने वही खाई थी, तो इस वजह से भी भूख लग रही थी, तभी हमने ब्रेड पकौड़े का आइडिया लिया, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। आप लोग भी खा लीजिए। पत्ता लो, अभी पत्ता खाने लगी ये पैटी ग्रीक के अलावा कुछ नहीं खाती है ना? ये ब्रेड खाती है रोस्ट करके, ब्राउन ब्रेड, सिर्फ ब्रेड खाती है। तो चाय नाश्ता हो चुका है और शाम के डिनर की तैयारी करनी है। वैसे तो अभी पेट इतना भर गया है कि डिनर में कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी देखते हैं, कुछ तो खाना पड़ेगा क्योंकि कल फास्ट है, और बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, किचन पूरा मैसी हो गया है, तो उसको क्लीन करना है। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल। मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।